अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, एक ऐसा आर्टिस्ट जो फलों और सब्जियों को तराश कर इंतहाई हैरतअंगेज आर्ट पीसेस बना देता है, और एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो 10 टायर अपनी कमर पर रखकर स्टूल और 2 हथौड़ियों पर खुद को बैलेंस कर सकता है। ये आदमी गले में ईंटें लटका कर भी खुद को बैलेंस कर सकता है। एक ऐसा कंट्री जहाँ में बैडमिंटन पाँव और सर से खेली जाती है, ये ऐसा क्यों खेलते हैं और इस तरह के और भी बहुत से फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि कोई भी फैक्ट्स मिस ना हो सके। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों इस आदमी की स्ट्रेंथ और स्किल्स को देखिए, कैसे इसने एक पोल पर खुद को अपने पांव से बैलेंस कर लिया। इस वीडियो में तो इसने एक ऊंची बिल्डिंग की बालकोनी से लटक कर खुद को बैलेंस किया। ये इंतहाई खतरनाक स्ट्रेंथ है, लेकिन इस आदमी की स्किल्स और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में तो ये कमाल स्ट्रेंथ से पोल पर लटक जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। इस आदमी का नाम टमेट्री पोलिटोफ है। नंबर 2, दोस्तों इस कुक को देखिए जो खुद नहीं देख सकता, लेकिन बिनाई ना होने के बावजूद ये बेहद महारत से फल सब्जियां और गोश्त काट सकता है, और वो भी कमाल स्पीड से। छुरी इसके हाथ पर भी लग सकती थी, लेकिन इसको स्किल और टैलेंट कहते हैं। दोस्तों इस वक्त आपको एक सेब और किसी का हाथ नजर आ रहा है, लेकिन जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ये दोनों चीजें दरअसल केक है। दुनिया में कई टैलेंटेड लोग ऐसे हैरत अंगेज केक बना सकते हैं जिनको काट कर पता लगता है कि ये दरअसल केक हैं। जैसा कि इसने इस केक को हाथ की शक्ल दे दी, जो बहुत ही हैरान कुन लग रहा था। नंबर 3, दोस्तों इस आर्टिस्ट को देखें जो फलों और सब्जियों को तराश कर इंतहाई हैरत अंगेज आर्ट पीसेस बनाता है। जैसा कि इस तरबूज को देखिए, जिसको इसने इंतहाई महारत से तराश कर एक खोपड़ी यानी स्कल की शक्ल में तब्दील कर दिया। इस आर्टिस्ट का नाम स्क्रोची है। इसी तरह इसने बेहद महारत से इस एवोकाडो को एक खरगोश की शक्ल दे दी। इस आर्टिस्ट की कई अमेजिंग वीडियो को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों दुनिया में बालों को आग लगाकर बाल काटने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये इंतहाई महारत का काम होता है। छोटी सी गलती आग को इंसान के जिस्म पर भी फैला सकती है। ऐसे बार्बर्स ये काम इंतहाई महारत से करते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि आइडिया किसका होगा, और दुनिया में वो पहला इंसान कौन होगा जिसने अपने बालों पर आग लगवाने का रिस्क लिया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये कमाल की महारत का काम है। नंबर 5, दोस्त इस बूढ़े आदमी को देखिए, इसको देखकर ये बात वाजिया हो जाती है कि फिटनेस का उम्र से कोई तल्लक नहीं होता। इंसान किसी भी उम्र में खुद को फिट रख सकता है। ये आदमी 10 टायर अपनी कमर पर रखकर स्टूल और 2 हथौड़ियों पर खुद को बैलेंस कर सकता है। ये आदमी गले में ईंटें लटका कर भी खुद को बैलेंस कर सकता है, और शीशे की बोतलों पर इतनी महारत से चल सकता है कि बोतलों को खराश तक नहीं आती। नंबर 6, दोस्तों आपको सामने एक कीड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये दरअसल एक पेंटिंग है जो चाइनीज पेंटर शियान डोन ने बनाई है। ये आदमी इंतहाई शानदार आर्ट पीसेस बनाता है, यहाँ तक कि ये कीचड़ के अंदर भी एक स्किल्स आर्ट बना सकता है। आप देख सकते हैं कि इसने एक आदमी की तस्वीर रखकर इसकी शक्ल हूबहू कीचड़ से बना ली, और इस आर्टिस्ट की ये वीडियो तो हैरत अंगेज है। इसने शीशे के अंदर हाथ डालकर ये पेंटिंग बनाना शुरू की। दोस्तों जैसा कि आप इसका टैलेंट देख सकते हैं, इसने कुछ ही देर में शीशे के अंदर बैठा हुआ एक चीता बना लिया। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है। नंबर 7, दोस्तों इस लड़के का नाम नोएल गीत है, और ये कार्ड स्पेशलिस्ट है। ये आदमी अपने हाथों से ताश के पत्तों को ऐसे हैंडल कर लेता है कि देखने वाला भी चकरा जाता है। ये ताश के पत्तों को महारत से हैंडल कर सकता है, जो दिखने में जादू लगता है। लेकिन ये सिर्फ इसके हाथों की महारत है। ये कार्ड को ऐसे बैलेंस भी कर लेता है कि देखने वाला दंग रह जाए। नंबर 8, दोस्तों इस पेंटिंग को पेंडोला पेंटिंग भी कहते हैं, लेकिन ये बनती कैसे है आप हैरान रह जाएंगे। इस पेंटिंग को कोई भी आर्टिस्ट हाथ से ड्रा नहीं करता, बल्कि एक पेंट के डिब्बे से हुक को बांधकर छत से लटका दिया जाता है। इसके बाद इस पेंट के डिब्बे के नीचे सुराख करके इसे छोड़ दिया जाता है। अब ये पेंट का डिब्बा पेंडोला की तरह गोल गोल घूमता रहता है, और इससे निकलने वाला पेंट बोर्ड पर नीचे सर्कल्स बनाता रहता है। इसके नीचे प्लास्टिक बिछा दिया जाता है कि फ्लोर गंदा ना हो। और दोस्तों इस तरह पेंडोला पेंटिंग बड़ी महारत से तैयार कर ली जाती है।
नंबर 9 दोस्तों, इस आर्टिस्ट का नाम मार्सिलो है। ये आदमी ऐसी हैरत अंगेज पेंटिंग्स बनाता है कि लगता है दरअसल वो चीज कागज के ऊपर रखी हुई है। जैसा कि इस पेंटिंग को देखिए, ये एक शीशा बना रहा है जिसमें इसकी शक्ल भी नजर आ रही है। दोस्तों इसने कमाल की महारत से ऐसी पेंटिंग बनाई कि लगता है कि शीशा कागज पर रखा हुआ है। या फिर इस पेंटिंग को देखिए जिसमें इसने एक बर्तन को कागज पर ड्रा किया। ये पेंटिंग इतनी हैरत अंगेज है कि ये पेंटिंग और असली बर्तन में फर्क बताना मुश्किल है। और फिर इस कैंडी की पेंटिंग इतनी एलिस्टिक है कि बंदा कैंडी को कागज पर से उठाने की कोशिश करता है। नंबर 10 दोस्तों, इस आदमी को देखिए जो कार से निशानाबाजी करने का माहर है। ये ताश के पत्ते से सब्जियां और अंडों को भी तोड़ सकता है। इस आदमी का निशाना भी कमाल का है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नंबर 11 दोस्तों, इस चाइनीज शेफ को देखिए जो सब्जियां और फल काटने का माहर है। जैसा कि ये आलू को इंतहाई महारत से ऐसे काट कर मुख्तलिफ शक्ल में तब्दील कर सकता है, और फिर ये कई प्याज एक दूसरे पर रख कर इंतहाई महारत से काट सकता है। वैसे इसमें इसकी तेज छुरी का भी कमाल है। दोस्तों ये शेफ आंखों पर पट्टी बांध कर तेजी से सब्जियां और फल काट सकता है। नंबर 12 दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बैडमिंटन रॉकेट से खेली जाती है, लेकिन इन चाइनीज बूढ़े आदमी को देखिए जो बैडमिंटन अपनी टांगों से खेल रहे हैं। ये शटल कुक को अपनी टांगों से हिट कर रहे हैं और सर पर भी कमाल की महारत से बैलेंस कर रहे हैं। दोस्तों ये एक बकायदा खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है, यानी टांगों की बैडमिंटन इस खेल का नाम है। नंबर 30 दोस्तों, इस अजीब वीडियो को देखिए जिसमें लोगों के दो ग्रुप्स हैं जो कमाल महारत से एक दूसरे के अंदर से सीधे चलते हैं, फिर ये रुकते हैं और उल्टे चलते हुए भी वैसे ही निकल जाते हैं। इन सारे लोगों की चलने की टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी है। ये देखने में तो एक शो लगता है, लेकिन इन लोगों की स्किल्स काबिले तारीफ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।